Hello students of grade UKG. I hope you will fine at your home and you can see students, I am also fine. So stay home, stay safe and stay healthy. As you know students, we have read about lesson 3, sense organ. And we have completed all question answer for that lesson. And I hope you have completed your homework. But you know, I can't check your homework right now. So keep your homework safely in your notebook. And now we will start lesson 4. Our topic is living or not. Living or not. अब हम लोग पढ़ेंगे वैसे थिंग्स के बारे में जो लिविंग और नहीं है. स्टूडेंट्स, देयर आर टू थिंग्स अराउंड अस, यानी हमारे चारों ओर कितने थिंग्स होते हैं? टू थिंग्स. अराउंड मीन्स क्या होता है? चारों ओर. अराउंड मीन्स चारों ओर. स्टूडेंट, आप अभी जहां भी होंगे, आप अपने चारों ओर देखो, बहुत सारे थिंग्स दिखाई देंगे. जैसे आपको दिखाएगा प्लांट्स, एनिमल्स, और अभी हमको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, वॉल्स दिख रहा है, चौक, डस्टर, ये सब थिंग्स हैं. क्या है? थिंग्स, वस्तुएं, जिसमें कुछ लिविंग होते हैं और कुछ नॉन लिविंग होते हैं. लिविंग थिंग वैसे होते हैं जिसमें लाइफ होती है, बट नॉन लिविंग थिंग वैसे होते हैं जिसमें लाइफ नहीं होती है. लिविंग थिंग्स हैव लाइफ इन देम, बट नॉन लिविंग थिंग्स हैव नॉट लाइफ इन देम. तो अभी हम लोग पढ़ेंगे लिविंग और नॉट, लिविंग के बारे में और जो नहीं, जिसमें लाइफ नहीं होती है उसके बारे में. और आपके बुक में है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है कुछ नहीं, सिर्फ दो चार दिख रहा है. इसमें है, सानू वेंट टू हिज फादर टू आस्क अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. हिज फादर शो हिम टू चार्ट्स, फर्स्ट है लिविंग थिंग्स एंड सेकेंड है नॉन लिविंग थिंग्स. सानू ने अपने पापा से पूछा लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में. उसके पापा ने उसे टू चार्ट दिखलाए. कितने चार्ट? टू. एक लिविंग थिंग्स का और दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स का. लिविंग थिंग्स में आप देख सकते हो जितने भी थिंग्स है इसमें लाइफ है. क्या है? लाइफ. बट लिविंग थिंग्स का चार्ट में आप देख सकते हो इसमें क्या है? आपको लाइफ नहीं है. इसमें आपको दिख रहा है पीपल्स, एनिमल्स, प्लांट्स, फ्लावर, दिख रहा है ना? इसमें लाइफ है. क्या है? लाइफ. बट इसमें लाइफ नहीं है. जितने भी थिंग्स है इसमें लाइफ नहीं है. फुटबॉल, केक, बुक्स, जो भी दिख रहा है आपको, इसमें लाइफ नहीं है. तो अभी हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में पढ़ेंगे. लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स. और मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल देके बता रही हूँ लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में. जिसमें लाइफ होती है उसे हम लोग लिविंग थिंग्स बोलते हैं, और जिसमें लाइफ नहीं होती है उसमें हम लोग उसे नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं. हैव लाइफ इन देम, बट इसमें नॉट हैव लाइफ. इन देम, यहाँ पे आपको दिख रहा हैव लाइफ इन देम बट नॉट हैव लाइफ इन देम. इसमें लाइफ होती है और इसमें लाइफ नहीं होती है. नीड फूड एंड वाटर. आप सेकेंड देख रहे हो, नीड फूड एंड वाटर. जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उसे क्या होती है? नीड, जरूरत. नीड मीन्स जरूरत. फूड एंड वाटर यानी भोजन और पानी. जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उसे क्या होती है जरूरत? स्टे होने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, फूड एंड वाटर. जैसे हम, आप, एनिमल्स, प्लांट, जितने भी थिंग्स होते हैं उसे वाटर और फूड की जरूरत होती है. और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो नॉट नीड फूड एंड वाटर. जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उसे फूड और वाटर की जरूरत नहीं होती है. क्या ये चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, इसे फूड और वाटर की जरूरत होती है? नहीं होती है, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है. नीड ग्रो बट नॉट ग्रो.
होती है बट नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं होती है, ग्रो एंड मूव। नॉट ग्रो एंड मूव, लिविंग थिंग्स ग्रो करती है और मूव होती है बट नॉन लिविंग थिंग्स ना ग्रो करती है और ना मूव होती है। ये चौक है, आपको क्या है चौक, ये ना ग्रो करेगी और ना ही मूव होगी, ना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएगी। बट लिविंग थिंग्स जितने भी होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे खुद से जा सकते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स नहीं जाते हैं। तो ग्रो एंड मूव, एंड नॉट ग्रो एंड नॉट मूव। एंड नेक्स्ट ब्रेथ एंड फील, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो ब्रेथ यानी सांस लेते हैं और वो फील भी करते हैं, क्या करते हैं फील, बट नॉन लिविंग थिंग्स नॉट ब्रेथ एंड फील। और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं ना ही वो सांस ले सकते हैं और ना ही वो फील कर सकते हैं। स्टार्ट एंड स्टूडेंट्स, अभी हम टू क्वेश्चन देखेंगे, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर लिविंग थिंग्स विथ एग्जाम्पल। Answer is the things which have life in them are called living things, are called living things. For example, next question, what are non-living things? And next question, what are non-living things? For example, with example. Answer is the things which have not life in them. For example, chair, table, fan, etc. First question is, what are living things with example? The things which have life in them are called living things. ऐसे things जिसमें life होती है उसे हम लोग living things बोलते हैं। For example, humans, animals and plants. And second question, what are non-living things? What are non-living things? With example, the things which have
not life in them are called non-living things. For example, chair, table, fan, etc. And students, that was your SW also. So, note your in notebook, write down in your notebook, safely in your notebook.